हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक वेक्टर्स चल रहा है, ठीक है। तो वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं आगे। अभी मैं आपको एक कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा समझने में आए आपको अच्छे से। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अभी मैं बात करता हूँ सबसे पहले इक्वल वेक्टर्स की, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर शुरू करते हैं कि भाई इक्वल वेक्टर क्या होता है। देखो बेटा, इक्वल वेक्टर के लिए क्या करना है, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, व्हाट इज इक्वल वेक्टर। देखो इक्वल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, जिन वेक्टर्स का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों सेम होते हैं, जिन वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है, उन वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जिन वेक्टरों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं कैसे वेक्टर, इक्वल वेक्टर। कैसे, देखिए सपोज करो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक वेक्टर है 2i cap + 3j cap - 4k cap और दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू xi cap + y/2j cap - z/3k cap, ठीक है। तो अब ये कहा कि दोनों वेक्टर इक्वल है, यहां पर बीच में इक्वल टू का साइन आ गया। तो इक्वल होने से अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि देन फाइंड x, y एंड z, हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए इक्वल वेक्टर रहेंगे दोनों, बीच में इक्वल टू का साइन है। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो। अब देखो मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब हुआ कि आपके x, y, z के कोएफिशिएंट जो होने चाहिए ये सेम होने चाहिए दोनों तरफ से। तो यहां पर देखो अगर मैं कंपेयर करता हूं, उसमें कहा कि इक्वल है, इक्वल है तो इट्स मीन दैट x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 2, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और y अपॉन 2 को हम किसके इक्वल रखेंगे, 3 के इक्वल रखेंगे। और z अपॉन 3 है ना, -z/3 = -4, तो माइनस से माइनस गया तो हमें मिल गया x = 2 एंड y = 6 एंड z = 12, ये आंसर हो गया। तो बात ही ध्यान रखनी है। आइए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। सपोज करो हमारे पास ये कंडीशन है, ये हमारा एक सपोज करो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमें कुछ इस तरह से कंडीशन दे रखी है, इसमें हमें कुछ इस तरह से कंडीशन दे रखी है कि ये है सपोज करो वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है। ये हो गया हमारा वेक्टर सी एंड इट इज वेक्टर डी, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताइए इनमें कौन कौन से वेक्टर इक्वल हैं और कौन कौन से वेक्टर पैरेलल हैं और कौन से वेक्टर कोलिनियर हैं, तो हम कैसे आंसर देंगे ये हमें देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, है ना। सबसे पहले बात करते हैं इक्वल वेक्टर कौन से हैं। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, जो वेक्टर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर वेक्टर बी और डी की डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम ये कहेंगे कि वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर्स, क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं कि पैरेलल वेक्टर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर पैरेलल वेक्टर्स, ये पैरेलल वेक्टर्स भी हो गए। और पैरेलल वेक्टर कौन से हो सकते हैं भाई, पैरेलल वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी
आर पैरेलल वेक्टर्स, ये भी हमारे पैरेलल वेक्टर है लेकिन ये एंटी पैरेलल है ना, ये एंटी पैरेलल है और ये लाइक पैरेलल है। बी और डी जैसे वेक्टर है, इनको हम बोलेंगे ये लाइक पैरेलल है, ठीक है। अच्छा अब आती बात कोलिनियर की, कोलिनियर का मतलब होता है कि भाई, कोलिनियर का मतलब क्या है कि भाई एक ही लाइन के पैरेलल होने चाहिए। तो अब अगर एक ही लाइन के पैरेलल वेक्टर हैं तो इसमें कौन कौन से वेक्टर ऐसे होंगे जो कोलिनियर हो सकते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर बी और वेक्टर डी कोलिनियर होंगे क्योंकि पैरेलल है, एक ही लाइन के पैरेलल बनेंगे। और इसी तरीके से वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आपस में कोलिनियर है ना। यहां तो ये पैरेलल वाली कंडीशन होगी। अब अगर हम कोलिनियर की बात करते हैं तो हम लिखेंगे कि वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। इसी तरीके से वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर आल्सो कोलिनियर वेक्टर्स। ये भी कैसे वेक्टर्स हो गए, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हो गए क्योंकि ये एक ही लाइन के पैरेलल है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं और कौन से वेक्टर पैरेलल हैं और कौन से वेक्टर कोलिनियर है। तो बेटा अब इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखनी है हमेशा, क्या कि अभी देखो यहां पर एक चीज शायद नीचे आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, ये कट गया होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं कि वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर कोलिनियर वेक्टर्स, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स है ना। ये लिखना चाह रहा था ना, यहां पर ये कट गया नीचे, ये कोलिनियर वेक्टर्स है। तो ध्यान रखिएगा वेक्टर बी एंड वेक्टर डी कोलिनियर है और वेक्टर ए एंड वेक्टर सी कोलिनियर है। वेक्टर बी और वेक्टर ए और वेक्टर सी इक्वल नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए हम उनको इक्वल नहीं कर सकते। अच्छा वेक्टर बी और वेक्टर डी इक्वल इसलिए हो गए क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती है तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनका डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए हम इनको इक्वल वेक्टर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं और कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे की कंडीशंस को और समझेंगे अच्छे से वेक्टर की। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।